हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू निशी व्लॉग्स। और आज का जो वीडियो होने वाला है, अगेन इट्स अ बजट हॉल। और आज के हॉल में मैं दिखाऊंगी, एक्चुअली इट इज़ अ नायका हॉल। कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं और जो भी प्रोडक्ट्स हैं मैंने खुद के लिए लिया है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि स्पेशली मैं वीडियोज़ में दिखाने के लिए ले रही हूँ, तो काम की चीज़ें हैं जो ख़त्म हो चुका था और मुझे लेना था। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो मैं हूँ निशी, मैं बनाती हूँ बजट हॉल्स। यूजुअली इट्स अंडर 500 रुपीज़ एंड अंडर 1000 रुपीज़, तो यही हॉल्स होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको ऐसे हॉल्स पसंद है, तो यू कैन जस्ट लाइक सब्सक्राइब चैनल, माई चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये पूरा जो इतना बड़ा सा बॉक्स आया है नायका से, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं एक एक करके स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, सो ये मैंने लिया है। सो पहला प्रोडक्ट है नायका से, सेल तो लगी हुई है, हमेशा से सेल होती है, अभी भी 15 अगस्त की सेल। तो फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया है, दिस इज़ लैक्मे काजल। ये दो का सेट है, दो हमेशा जब भी मैं काजल ऑर्डर करती हूँ तो मैं एक एक्स्ट्रा रख लेती हूँ, वो चल जाता है। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है काजल, लाइक आई यूज़ इट, लाइक बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ। तो ये दो का सेट है काजल का, एंड इट्स फॉर 330 रुपीज़ मेंशन है, लेकिन डिस्काउंट में मुझे मिल गया। तो ये कोल काजल है। अगर अभी ऐसा कुछ कॉम्बो पैक ढूंढ रहे हैं तो यू कैन जस्ट गो फॉर इट। सेकेंड जो प्रोडक्ट मैंने लिया है, वो लिया है कोकोनट का। सो दिस इज़ मैक्स केयर का वर्जिन कोकोनट ऑयल। तो ये बहुत ही अच्छा ऑयल है, इसको मैं अपने हेयर में या फिर स्किन में आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। वर्जिन कोकोनट ऑयल है और इसमें मैं एक्चुअली मैं नेचुरल जो ऑयल होते हैं वो मैं घर पर बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने इसको लिया है। लेकिन ये ऐसे भी यूज़ करने के लिए बहुत ही अच्छा है, तो अगर आप कुछ ऐसा वर्जिन कोकोनट ऑयल ढूंढ रहे हैं, देन दिस इज़ अ बेस्ट। इसका प्राइस है अगेन 220 रुपीज़, और ये है टू। ओके, सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, दो जो थर्ड प्रोडक्ट है वो मैंने लिया है। सो दिस इज़ अ बॉडी वॉश, मैंने लिया है, दिस इज़ फ्रॉम द बॉडी शॉप, और बहुत ही अच्छा है। ये बॉडी शॉप के शावर जेल्स मुझे बहुत ही पसंद है। सो दिस इज़ शावर क्रीम एंड इट इज़ फॉर शिया नटी एंड क्रीमी, दिस इज़ व्हाट इज़ मेंशन हियर। और बहुत ही अच्छा यूज़ करने पे, अभी न्यू है, मैंने एक बार यूज़ किया है लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। तो ये ऐसा अंदर से दिखेगा, थोड़ा सा ग्रीनिश सा लाइट ग्रीन का कलर है, लेकिन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सूदिंग है। प्राइस इज़ 495 रुपीज़, लेकिन मुझे ये भी डिस्काउंट में मिल गया है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो ये हो गया नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। मैंने कुछ शैम्पू मंगाया है अपने हेयर के लिए, इस पर मैंने मैट्रिक्स का शैम्पू मैंने सोचा कि मंगाओ, इसको ट्राई करूँ। सो दिस इज़ मैट्रिक्स ऑप्टी केयर स्मूथ एंड स्ट्रेट। अगर आप चाहते हैं आपके बाल स्मूथ और स्ट्रेट लगें, और जैसे कि वैसे तो सभी चाहते हैं कि बाल सिल्की स्मूथ शाइनी लगे, और ये जो है इसमें मेंशन करता है डेट इज़ अप टू 72 वॉशेस, स्मूथ और स्ट्रेट है ये, और प्रोफेशनल शैम्पू है, अल्ट्रा शिया बटर है। तो आई थिंक ये समथिंग न्यू है, लेकिन मैट्रिक्स के पहले भी मैंने यूज़ किए हैं, बट आई हैवंट यूज दिस वन, तो मुझे लगा मैं इस बार ट्राई करूँ। तो ये था 350 ml, काफ़ी बड़ा बॉटल है, तो काफ़ी दिन तक चलने वाला है। अगर इसको लगाने के बाद आप रिव्यू चाहते हैं तो प्लीज़ मैंशन डाट इन द कमेंट, मैं बताऊँ इसको लगाने के बाद कैसा। ये मैंने अभी कुछ दूसरा शैम्पू लगाया है, वो भी सही काम कर रहा है। तो दिस वॉज अ मैट्रिक्स शैम्पू, इसकी प्राइस है 560 रुपीज़, और मुझे मिला है ये भी शायद डिस्काउंट में। इसके साथ ही मैंने लिया है कंडीशनर, उसी का कंडीशनर लिया है, मैट्रिक्स ऑप्टी केयर स्मूथ एंड स्ट्रेट कंडीशनर है ये, और 98 ग्राम है, तो शैम्पू काफ़ी बड़ा है, कंडीशनर छोटा है, तो इसको लगाने के बाद लाइक कंडीशनर तो कम यूज़ कर, तो इसको यूज़ करने के बाद लगेगा कि ये कैसा है, तो अभी तक तो मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। ये दूसरा वाला मैं यूज़ करी थी, बट स्मूथ एंड स्ट्रेट जो है ये न्यू है मेरे लिए भी। सो दिस इज़ अ शैम्पू एंड कंडीशनर विच आई हैव बॉट, द प्राइस ऑफ दिस कंडीशनर इज़ 290 रुपीज़। तो मैं सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, अगर आप इंटरेस्टेड है कुछ भी ऐसा, अगर आपको लगता है नीड है, ख़त्म हो गया है और आप ट्राई करना चाहते हैं, देन यू कैन जस्ट बाय। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने लिया है, ओके दिस इज़ दी नेल पॉलिश रिमूवर। ये बहुत ही सही है, जो इनसाइड का जो नेल पॉलिश रिमूवर है ना, आप कभी भी कैरी कर सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो, काफ़ी हैंडी है, और जस्ट 45 रुपीज़ में, और क्या चाहिए, बहुत सारे वाइप्स मिल जाते हैं, लाइक 30 वाइप्स। और अगर आपने नहीं ट्राई किया है ये वाला, तो प्लीज़ ट्राई इट, बहुत ही सही है ये नेल पेंट रिमूवर। तो मैंने लिया है इसका लेमन वाला है। सो नेक्स्ट है, ओके ये मैंने मंगाया है चारकोल मास्क। सो दिस इज़ अ चारकोल पील ऑफ मास्क जो मैंने लिया है, और ये भी किया सेथ एक
एरोमा थेरेपी एक न्यू ब्रांड है, लाइक फर्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और ये चारकोल पील ऑफ मास्क लगाने से लाइक पूरा आपका जो व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स और जो फेशियल हेयर है वो भी निकल जाता है ईजिली, तो मुझे इसलिए पसंद है। बट दिस इज सिर्फ ब्रांड लाइक आई एम यूजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये छोटा सा है। आई थिंक द प्राइस इज 179 रुपीज़, बट डिस्काउंट पर मिल गया मुझे ये भी। तो ये था नेक्स्ट प्रोडक्ट, और नेक्स्ट जो मैं दिखाऊंगी, ओके ये क्या लिया है मैंने, ओके ये रोज़ वाटर है, मैं इसको आपके सामने ओपन करती हूँ। ये जस्ट हर्ब्स एक ऑर्गेनिक नेचुरल ब्रांड है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है, उसके कुछ प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं। और उसी ब्रांड का ये रोज़ वाटर टोनर मिस्ट है, वैसे कामा आयुर्वेदा का मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मैं इसको एक बार यूज़ करके देखूँ। मैं बॉक्स ओपन करके मैं दिखाती हूँ कि इसका जो बॉक्स है लाइक दिस टोनर और मिस्ट का, सो दिस इज जस्ट हर्ब्स, आप देख सकते हैं। और फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है, रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे दिख रहे थे मुझे नायका पे, तो मुझे लगा कि एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। और ये एक्चुअली ऑर्गेनिक है, तो मुझे इसलिए ये अच्छा लगा, पैराबेन फ्री है, क्रुएलिटी फ्री है, तो ऑर्गेनिक है, तो लेट्स सी यूज़ करने पे कैसा लगता है। वैसे तो सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है, पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, एंड इट्स वेरी नाइस एक्चुअली। तो ओके प्राइस बताना मैं भूल गई, तो इसका प्राइस कहाँ पे मेंशन था, ओके 495 मेंशन है, लेकिन 495 का ये नहीं है, काफ़ी डिस्काउंट में मुझे मिल गया है, तो आप भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हो गया रोज़ वाटर, और क्या बाकी है, ओके एक जो परफ्यूम है जो बहुत दिन से मैं नायका पे देख रही थी लाइक बहुत लोगों के रिव्यू, ये जो परफ्यूम है ना रामसन्स एक्सोटिका परफ्यूम 100 ml है, काफ़ी बड़ी बॉटल है, मुझे लगा था बॉटल काफ़ी छोटा होगा, बट दिस इज़ दी बॉटल, कैन यू सी, बहुत ही लग्जरी वाला जो ब्रांड होता है ना बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। बट द फ्रेगरेंस इज़ अमेजिंग, ठीक है, ऐसा नहीं थी कि फ्रेगरेंस अच्छा नहीं है। और जब आप इसे स्प्रे करोगे ना, और स्प्रे करने के बाद एक दो घंटे के बाद थोड़ा सा ये माइल्ड हो जाता है, और उसके बाद जो इसकी फ्रेग्रेंस है ना बहुत अच्छी, ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी देर तक स्टे करता है, क्योंकि मैंने इसको लगाया है, यूज़ किया है, उसके बाद मैं आपको रिव्यू बता रही हूँ। एंड दिस इज़ जस्ट अमेजिंग, जो हाई एंड परफ्यूम्स ब्रांड होते हैं ना थोड़ा सा वो ये वैसा ही है, और फ्रूटी और वुडी जो फ्रेग्रेंस है वैसा है, अगर आपको पसंद है, मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि एंड द प्राइस इज़ ऑल्सो गुड, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, तो मुझे ये पैकेजिंग और सब कुछ बहुत ही अच्छा लगा, इवन फ्रेग्रेंस इज़ ऑल्सो नाइस। और जो ये तो परफ्यूम हो गया, और इसके साथ में हमें मिलता है लाइक दिस इज़ द बिग बॉक्स, एक हमें रोल ऑन भी मिलता है, लाइक आप कैरी कर सकते हो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, ये रोल ऑन भी मिलता है इसके साथ फ्री में, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। रोल ऑन नहीं, आई थिंक इट्स अ स्प्रे, स्मॉल स्प्रे वाला है, और मुझे काफ़ी सही लगा, तो ये आपको फ्री में मिलेगा उस बॉक्स के साथ में। तो ये हो गया परफ्यूम, और ओके ये सारे प्रोडक्ट्स के साथ मुझे मिला है गार्नियर का मैकुलर क्लेंजिंग वाटर विटामिन सी, ये फ्री में मिला है, मेकअप रिमूवर, बहुत लाइक मैंने सुना था इसके बारे में, मेकअप रिमूवर सोच भी रही थी कि मैं खरीदूँ, लेकिन फ्री मिल गया है ना तो अच्छा है, लाइक रिमूव्स मेकअप, क्लेंजेस, ब्राइटन्स, नो रिंस ऑफ, मैं इसको यूज़ करूँगी। और या नॉट फॉर सेल मेंशन है, तो और कुछ नहीं हो सकता, आपको 2-in-1 चीज़ें मिल रही हैं, तो ये आप आगे से इसको ऐसे ओपन कर लेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, सो दिस इज़ अ मसाजर वाला पॉइंट, और यहीं से आपका वो क्रीम निकलेगा, तो ये ऐसे है ना, आप इसको थोड़ा सा नीचे पुश करेंगे, ये आपका क्रीम आ गया, ये आपने ऐसे लगाया, और ये जो बटन दिख रहे हैं आपको, ये आप ऊपर जब करोगे, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, तो ये वाइब्रेट करने लगेगा, सो इट हैज़ स्टार्टेड वाइब्रेटिंग, तो आपका जो मसाज है ऐसे अंडर आई एरिया में, यहाँ पे क्रीम लगा के ना आपको ऐसे मसाज करना है आईज अंडर आई के नीचे, बहुत ही सूदिंग है, बहुत ही अच्छा है, मुझे लाइक स्विस ब्यूटी के कुछ प्रोडक्ट्स लाइक अब तक जितने मैंने यूज़ किए मुझे तो सारे अच्छे लगे, और ये उनमें से बेस्ट था, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और प्राइस भी इट्स फॉर लाइक 395 अंडर 400,
सो दिस वॉज ए लास्ट प्रोडक्ट विच आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू ऑल, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो मैं डेली यूज़ करती हूँ. अगर आप कुछ ऐसा अंडर आई क्रीम और साथ में मसाजर ढूंढ रहे हैं, देन यू कैन जस्ट डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसे ज़रूर खरीदो, एक बार ट्राई ज़रूर करना. बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, अंडर 500 है, तो आप ट्राई ज़रूर करना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही सूदिंग लगेगा. और आपके डार्क सर्कल्स और ये आप कुछ खुद ही इम्प्रूवमेंट देखोगे 15 to 20 days में, लाइक मैंने देखा है, मैंने यूज़ किया है एंड आई एम जस्ट लविंग इट. तो ये था आज का हॉल और ये थे प्रोडक्ट्स जो मैंने अपने यूज़ के लिए मंगाए थे. लाइक मैं ऐसा कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदती हूँ जो बिल्कुल वीडियोज़ में दिखाने के पर्पज़ से ख़रीदा है, तो एक्स्ट्रा क्योंकि प्रोडक्ट्स मैं नहीं खरीदती. होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऐसे और भी बजट वीडियोस एंड हॉल्स देखने के लिए. और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में. तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आने वाला है वो भी बजट हॉल होगा, बट वो मीशो हॉल है. तो कुछ प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो अपने नेक्स्ट वीडियो में. तो स्टे ट्यून्ड एंड और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय.